नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के युग में पैसों की क्या अहमियत है और सभी को पैसे जरूर चाहिए क्योंकि किसी न किसी की इच्छाएं और चाहत इतनी बढ़ चुकी है कि पैसों के बिना किसी का भी घर और परिवार तो चल ही नहीं सकता। तो आज मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के दौरान कि आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपके घर में सौभाग्य रहे, यानी कि धन लक्ष्मी वर्षा करती रहे। तो आज जानते हैं इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, मेष राशि। यदि आपकी मेष राशि है तो आपका मुख्य ग्रह है मंगलवार और इस दिन के गुरु हैं हनुमान जी। यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी और आपकी सारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। कोशिश करें यदि मेष राशि वाले व्यक्ति मंगलवार को ओम हनुमते नमः का जप करते हैं तो ऐसा करने से उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर दो, वृषभ राशि। यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपका मुख्य ग्रह है शुक्रवार और इस दिन के इष्ट देव है माँ दुर्गा। यदि आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसकी वजह से आपके जो दुश्मन हैं वो भी कम हो जाएंगे। मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, उसका उच्चारण करते रहिए। मंत्र है ओम दुर्गा देवे नमः। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर तीन, मिथुन राशि। यदि आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपका मुख्य ग्रह बुधवार भगवान गणपति। यदि आप उनकी आराधना करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और मंत्र है ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहिए, ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर चार, कर्क राशि। यदि आपकी राशि कर्क है तो आपका ग्रह चंद्रमा और इस राशि के व्यक्ति का भगवान होते हैं भगवान शिव। तो आप भगवान शिव की रोज आराधना करें, उनकी पूजा करें और उनसे कुछ सीखें, इससे आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। और मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण आप रोज करते हैं तो ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर पाँच, सिंह राशि। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपके ग्रह भी सूर्य हैं और इष्ट देव भी सूर्य हैं। आपके लिए तो और भी अच्छी बात है क्योंकि एक ही प्रभु को याद करने के लिए आपको बार बार प्रभु का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप यदि इन्हीं प्रभु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और रोज ओम सूर्य नमः का जप करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य आएगा और आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर छह, कन्या राशि। जिस भी व्यक्ति की कन्या राशि है तो वह व्यक्ति अपने ग्रह को बुध माने और वह उनके विघ्नहर्ता हैं गणपति भगवान। और गणपति भगवान की आप आराधना करें, पूजा करें, सच्चे मन से आराधना करने से आपको अच्छे कार्य की सफलता मिलेगी और आपके लिए नए नए कार्य और अवसर भी मिलते रहेंगे। और मंत्र है ओम गण गणपति नमः का उच्चारण आप हमेशा करते रहें। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण रोज करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर सात, तुला राशि। यदि आपकी राशि तुला है तो आपका मुख्य ग्रह है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वह आपके लिए सबसे अच्छी और फायदेमंद रहेगी क्योंकि अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। वैसे तो माँ लक्ष्मी जिस घर में भी रहती हैं वहाँ तो पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। माँ लक्ष्मी खुद एक पैसों वाली देवी हैं और जो घर में रहने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। और मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, यानी कि इस मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर आठ, वृश्चिक राशि। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपका ग्रह भी मंगलवार है और मंगलवार के भगवान तो हनुमान जी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं और आपकी समस्याओं को और बाधाओं को भी दूर करते हैं। यदि आप इनकी आराधना करते हैं तो आपके जीवन में भी सफलता के नियम, इससे आपके जीवन में सफलता आएगी। और मंत्र है ओम हनुमते नमः। यदि इस मंत्र का उच्चारण आप रोज करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी और घर में कलह और कलेश भी दूर रहेगी। नंबर दस, मकर राशि। यदि आपकी राशि मकर राशि है तो आपका ग्रह है शनि और आप शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वह बाधाओं को दूर भी करते हैं और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। नंबर ग्यारह, कुंभ राशि। यदि आपकी राशि कुंभ राशि है तो आप का ग्रह है शनि और शनि के ग्रह के सबसे ज्यादा भगवान को हम भगवान शिव के रूप में पूजते हैं। यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। और आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ओम महामृत्युंजय जप जरूर करें 108 बार। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। नंबर 12, मीन राशि। यदि आपकी राशि मीन राशि है तो आपके ग्रह हैं बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में
कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी और सारी बाधाएं आपके घर से ही दूर हो जाएंगी। मंत्र है ओम नारायण नमः, ओम गुरुवे नमः। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। तो ये है वह मंत्र। यदि आप राशियों के अनुसार इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।